ब्याह के आए हम यहाँ? किसी का गुलाम ना है, किसी का दिया ना खाते हैं। अरे क्या बात हो रही, कुछ हमें भी बताओगी या नहीं? क्या बात हो गई? देखो क्या हाल करा हम दोनों बहनों के पीट पीट से उस कुत्ते ने। अरे किसने? साफ साफ बोलो। साफ साफ ही बोल रहे हैं, थारे उस लाडले भाई ने। किसने? राजू ने? पर क्यों? पूजा ने हर्ष का सर फोड़ दिया, मैं उसे थोड़ा डांटने लगी, चढ़ गया मारे पे। अब इतनी हिम्मत होगी इसकी? क्यों भाई इतना बड़ा पहलवान हो गया, अब तू इन औरतों पे भी हाथ उठाओगा? अपनी ना बताई होगी इन्होंने, अब पूजा पे आज लो हमारे माँ बाप ने हाथ नहीं उठाया, हमने कभी अंगली नहीं लगाई, ये मारेंगी उसके। ये बड़ी है उससे और भाभी है उसकी, अगर मार भी दिया से क्या बतागी? आफत क्यों ना आगी, ऐसे कैसे मार देंगी ये? अरे क्यों ना मारेंगे, ले हम मारेंगे इसके, देखा तू क्या करेगा? इन साड़ियों के कहने से निपटेगी या? अच्छा नहीं तो क्या करेगा तू? मैं कह रहा हूँ जाओ वहीं रुक जाओ, इसी में भलाई है। अरे तू इतना बड़ा सांड हो रहा, तो बिल्कुल इज्जत का नाश कर दिया, जो सुधार का ही मन लगे। तुम तो बच्चे मत बनो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, कम से कम थाने से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनकी कोई गलती नहीं खान साहब, हमारे घर में अगर कोई झगड़े की जड़ है तो यू है, न जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था यू। पता ना किसकी नजर लगी इस घर को, इब क्यों कर शांति आवेगी इस घर में? ऐसे शांति हो जाएगी इसके रहते इस घर में? अरे हम पिटेंगे इस पे, कुछ करता ना धरता, खाली रोटी खान का। हम ना रहेंगे एक मिनट भी इस घर में, हमारे पियर में कोई कमी ना है, ऐसे कुत्तों में नौकर भी ना रखे, यहाँ पिटना पड़ रहा है। अरे चुप हो जाओ बउवो, इब तो यू बतेरा पिट लिया और क्या चाहो तुम भी कुछ बोलोगे हमें ही बोलना पड़ेगा, या तो हम न्यारे होवेंगे और ना तो ना रहेंगे हम इस घर में। अगर थारे बस का न्यारा होना ना है तो हमें बता दो, हम चले जाएंगे इस घर से। बेटा हरी, इन बहुओं को समझाओ न्यारे होने की बात ना करें। पिताजी सही कह रही है, हमने बहुत सह लिया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, अब नहीं रहने के इसके साथ हम बिल्कुल भी। कुदरत की मुसीबत से उबर सकता है कोई घर, लुट जाने के बाद फिर से भर सकता है कोई घर, घर वाले ही बर्बाद करें जिस घर को, फिर कैसे दोबारा से संवर सकता है कोई घर। आज इसके सिर पे मैं ऐसी ईंट मारूंगी, अब जीवन भर याद रखेगा।
पहले ये लोग निकल जाएं, फिर मारूंगी इसे। रखे करने के चक्कर में है यो, पता नहीं क्या चाह रहा भाई। मुझे लगा वो लड़ना चाह रहा दिखा। हाँ अब क्या बात है? मुझे माफ कर दो भाई। देख क्या, इसे तो एक ही रात माटे डाल के भाव का पता चल गया। अब क्या हुआ भाई, कल तो बहुत बड़ा रावण हो रहा था, औरतों पे भी हाथ ठहरा था। भैया मैं भाभियों से माफी मांग लूंगा। अब समझ में आ गई दिक्कत, अब जब 2 बीघे जमीन रहेगी इसमें क्या करेगा क्या खावेगा? वो जमीन घर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाई चाहिए। अरे कल ना चाहिए थे भाई, जब लट्ठा रखा था। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ू तो जिसके क्या हो गए मैं उसके पैर पकड़ लू, पर तुम नारे मत हो, तब मुझे अपना नौकर समझ के रख लो, अपना गुलाम समझ के रख लो, पर नारे मत हो, मैं अपने भाइयों के बिना कैसे रहूं। हम सब जाने तेरी नौटंकी, तू कभी नहीं सुधर सकता। वे बिचारी सहन करती करती हार गई, पर तू बाज नहीं आया। ऐसा जुलम मत करो मेरे भाई, मैं तो अलग कैसे रहूंगा, मुझे पता रहा था मेरी यह गलती, तब मेरे से इतनी दूर ले जाओगी, मुझे मत छोड़ो मेरे भाई, मुझे मत छोड़ो। देख लो भाई, मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लो, बंदी बुहारी बंदी ही हो। हाँ वो तो सही है खान साहब, कुछ सही ना है, अब हम उसके गैल नहीं रह सकते। अरे जब हम बोल रहे तो चुपी खड़ी रहो। अब बात बना ना खान साहब, तुम बंटवारा करवाई दो। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, कीजिए भाई जान जो कुछ आपको करना है। भाई खान साहब करना के मारे दो, यू घर है अरवा जमीन। और यह तो बात साफ होगी, घर को 3 हिस्सों में बांट लो और रही 6 बीघा जमीन और उसे 2-2 बीघा बांट लो। ये कैसा फैसला हुआ, 8 बीघा जमीन तो इनकी पढ़ाई में चली गई, उसका क्या होगा? हमें पढ़ाने के लिए जमीन बेची गई खान साहब, ये तो ठीक है, पर अगर राजू भी पढ़ता तो हम उसे रोकते क्या? अगर वो ना पढ़ा इसमें हमारी क्या गलती है? जमीन तो तीनों में बराबरी बटेगी, तुम कहते क्यों ना हो? इतने दिनों से ये दोनों कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, हमने तो ना कभी हिसाब मांगा। भाई राजू को भी तो बुलाओ, उसे भी तो बैठाओ इस बंटवारे में। और जब वो बैठने को तैयार ना है तो हम क्या करें? उसकी जगह हम बैठे कोई ना इंसाफी नहीं होने देंगे। और सारा गांव जाने 2 दाने मारे में ही है। और देखो भाई साथ में जो कमाई होवे और खर्च होवे वो सब का होवे, और जो कुछ बच रहा है वो भी सब में बराबर बराबर बटना चाहिए और कि नहीं? और लाला जी इनका क्या होगा, माँ बाप का? और इनका ये जिसके धोरे जाएंगे वो जिम्मेदार होगा। और छोरी का ब्याह? जिसपे जैसा बनेगा सब करेंगे, बाकी उसके माँ बाप बैठे हैं अभी। और बिल्कुल ठीक बात है। अरे ठीक तो कुछ भी ना है, पर करो भाईजान जो कुछ करना है आपको। अरे करने को अब है ही के, यू घर है इसके 3 हिस्से कर दो, जब जिसका ब्योंत होगा अपना बना लेगा, तब तक ये दोनों ऊपर रह लेंगे और वो नीचे रह लेगा, डांगर ढोर सबके इकट्ठे बन जाएंगे। और रही जमीन की बात, भाई सब है पता है 6 बीघे है, जैसा चाहो वैसे कर लो। और तुम? महारा के है खान साहब, हम भी पड़े रहेंगे किसी कोने में। और ब्याह होने तक वो छोरी किसके दौरे रहेगी? तय बूझ लो, तीनों भाई हैं उसके, मर्जी उसकी जहाँ जा रहा लेगी वा। अरे पूजा यहाँ बेटी। पूजा तो किसके दौरे रहेगी बता? मैं तो अपने भाई राजू के दौरे रहूंगी। और कुछ हो तो वो भी बता दो,
कदे बाद में फिर कोई बात आवे, फिर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अम्मा का पंचायत खत्म करो, कमाओ और खाओ, चलो। तिनका जोड़ के घोंसला एक बनाया, बच्चों की किलकारी से उसको फिर सजाया। लाचारी पर्वत ते भारी टूट गए सारे सपने, अपने घर के दीपक ने जब आशिया अपना जलाया, आशिया अपना जलाया। कितना गलत समझती थी मैं उसे, मैं क्या सोचती थी उसके बारे में, और वो क्या निकला जो घर को एक रखने के लिए इतना रो सकता है, अपने भाइयों के पैर पकड़ सकता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। वो बाहर से कितना भी कठोर लगे, लेकिन अंदर से उसका दिल बड़ा ही नर्म है। के बात हुई, क्यों चुप बैठे? के बताऊं, न्यारे हुए 3-4 दिन हो गए, दिमाग में कुछ परेशानी सी बन रही है। मैं ये सोच रहा कि अब इस घर का होगा कि ना, तो राजू कमाता ना, हमारे पास इतनी जमीन, अब कैसे तू इस छोरी के हाथ पीड़े करेंगे, कैसे यू घर चलेगा, बस गवान ही जा। अब आया जीने का असली मजा, ना किसी की चिक चिक ना जिक जिक। लक्की, के बात है? दीदी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। रहने दो, भैया नाराज होंगे। तुम लोग मुझसे अब भी नाराज हो क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, और फिर मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैं कान पकड़ू क्या? नहीं नहीं, तुम क्यों कह रही हो, इसकी जरूरत ना है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ काम करने दो। पूजा, मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी तेरे साथ खेत पे चलूं। तू रहने दे लक्ष्मी, देख सारा खाना तन्ने बनाया तो ठीक है, लेकिन तू साथ चलेगी तो भैया बहुत नाराज होंगे। कुछ नहीं होगा, मैं भी चलूंगी, प्लीज। ठीक है। आज पूजा क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा, एक काम कर, आज ये खाना मैं लेकर जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, भैया खाना भी नहीं खाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा,
पर तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शायद ये भैया को चाहने लगी है, मुझे इसका साथ देना चाहिए, जो होगा भगवान मालिक। ठीक है तू चली जा, पर मैं अपने भैया को जानती हूँ। आपके लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी लाने की? मैंने सोच कैसे लिया मैं तेरी लाई हुई रोटी खाऊंगा? देखो मैं अपनी गलती की माफी पहले ही मांग चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग अच्छे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ मेरा मतलब है तुम्हारी बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, आखिर बहन तो उन्हीं की है जिन्होंने हमारा परिवार तोड़ दिया। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहता, चले जाना और मेरे सामने कभी मत आना। ओ भैया मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, आज के बाद हमेशा खाना लेके मैं आऊंगी। वो मैं इसको समझा रही थी कि भैया कितने गुस्से वाले हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहकर ऐसों की सोबत भी अच्छी नहीं होती। हाय राम, जब ये पैदा हुआ था मौसी जी ने ज्यादा ही हरी मिर्च खाई थी क्या? देख मैं कहती थी ना, मेरे भैया को मनाना इतना आसान नहीं। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, इस लाड साहब को तो एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा कि ये भी मुझे चाहता है। ये भी से मतलब तुम भी? पहले तुम मुझे अच्छी लगती थी, पर अब क्या? अब तुम मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगने लगी हो, पर डर इस बात का है कि मेरा भाई, उसे जो अच्छा नहीं लगता तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। तू चिंता मत कर पूजा, अगर मेरी चाह सच्ची है तो मैं उसे जरूर मना लूंगी। पर मेरी गैर कानूनी भाभी, ऐसा होगा कैसे?
से बिन बुलाए आफत भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। हर बड़ा फिरे भोला सा जैसे बिन बुलाए आफत भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। नीम सा कड़वा है हाँ नीम सा कड़वा है पर होठों से लगा लूंगी मेरे चीसा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। दिल लिखेगा चाहत में है ताकत पत्थर भी पिघलेगा। उसमें जो गुस्सा है वो एक दिन लिखेगा चाहत में है ताकत पत्थर भी पिघलेगा। बच्ची सा जिद्दी है बच्ची सा जिद्दी है दूध में पिला दूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। पूजा आज तने रोटी सब्जी बहुत बढ़िया बनाई। चलो भैया को उसकी बनाई हुई रोटी सब्जी तो पसंद आई। भैया रोटी सब्जी तो अच्छी लगी। हाँ वो रोटी सब्जी तो भैया लक्की ने बनाई थी। इतनी भी अच्छी ना थी। लक्ष्मी जितनी सुंदर है भगवान ने उसे दिल भी उतना अच्छा दिया है। और वो आपको उसकी इतनी तरफदारी क्यों करे। वकील है तू उसकी ये खुआ दिया उसने तुझे अब हर वक्त उसके ही गुणगान करती रहे। दीदी ये 1000 रुपए अलमारी के नीचे मिले। अलमारी के नीचे मिले? चल मुझे दे तू अपना काम कर। ये 1000 रुपए तो शायद वो हैं जिनकी चोरी का इल्जाम राजू पर लगा था। भरेगा जरूर भरेगा। जिसकी बहन मान गई वो भी एक दिन जरूर मानेगा। पता है आज व्रत रखा है मन ने सोमवार का नहीं
तेरे भाई का। अच्छा जी। और ये व्रत मैं जब ही खोलूंगी जब वो अकड़ू राम अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। फिर तो खुल गया तेरा व्रत। और बुद्धू राम ये बात भैया को बतलावेगा कौन? बोल बोल। मुझे ना पता। राजू और राज सिंह। पूजा, राजू कहाँ है? भैया वो तो खान साहब के खेतों में काम करने गया होगा। सुनो भैया। हाँ बता क्या बात है। बता क्या बात है। भैया वो कैसे बताऊं, आप हमारी एक मदद करेंगे? हाँ हाँ, हम तो पहले ही दूसरे की मदद करने के लिए हुए। बता किसे पीटना? दो ताने मारे में ही तो हैं। भैया वो राजू भैया की बात है। राजू? पता ना कुछ लोग अपने आप को के समझे, अपनी एकड़ में रहवे और दो दाने उनमें होते नहीं। लक्ष्मी है ना, अरे कितनी सोनी लड़की है, कितनी अच्छी है। अरे मैं तो नू कहूँ, ऐसी लड़की जिसको मिल जावे ना वो अपनी किस्मत समझे, पान धो धो के पीवे। अरे हीरे की कदर तो चोरी जान सके, मूर्ख के पता ऐसी बात का, और बने फिरे हैं लाट साहब। अरे तुम पिट के जाओगे या वैसे जाओगे? चले जाओगे, पन्नू डर के ना जावे। अरे जो प्यार की कदर ना जाने वो यारों की कदर कह जानेगा। और गधा तो कूड़ी पी राजी रहे। सुनियो रे, मैं बनाऊंगा तुम्हें शेर। अब बोलियो क्या कह रहे थे? देख भाई, आज हम नहीं डरेंगे, जो हमें कहना है कह के रहेंगे। और हम प्यार के लिए जिएंगे और प्यार के लिए ही मरेंगे। लक्ष्मी है ना, उसने व्रत रख रखा है, और वो अपना व्रत जब खोलेगी, जब तू अपने हाथ से खिलाएगा उसे, वरना वो व्रत ना खोले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तू किसी के सच्चे प्यार की कदर नहीं कर सकता तो आज से हमारा यारी अन्य भी खत्म। अरे ऐसा प्यार तो किस्मत वालों को मिले है, और जो बदकिस्मत हो ना उन्हें तो मिलके भी ना मिलता, मिलके भी ना मिलता। सुनो बेटा। क्या? ये लो टॉफी। नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? मम्मी ना मना करी, राजू गंदा लड़का, कुछ देवे तो लेना ना है। बहरे हो गए हो क्या? मैं चाहूं तुझे, प्यार करूं तेरे ते। मेरा प्यार अगर सच्चा होगा तो तू अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। ये नहीं होगा। मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, पूरी रात भर। भैया तो सो गए, लक्ष्मी का क्या होगा? भगवान कुछ करो ना। पूजा, यू डॉक्टर क्यों आया था, के बात है? तुम्हें किसी से क्या लेना, तुम्हारी ओर से कोई मरे या जिए, कोई भूखा रहे या प्यासा रहे, कोई रात भर ठंड में तुम्हारा इंतजार करता रहे। बुखार होगा तो बेचारी लक्ष्मी को, जो रात में छत पे ठंड में मरती रही, पर तमे के मतलब तुम तो चादर तान के सो गए।
अरे इतनी फिकर करने की जरूरत ना है, जो सारी रात छत पे ही घूमती रही, ये पेपर तो आराम से ही हो जाएंगे। जो बहन मेरे सामने मुंह नहीं खोल पाती थी, वो आज उस लड़की के लिए इतना बोल गई। जरूर कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। लड़की तो वाकई वो बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, समझदार भी है। अब बुखार कैसा है? अब तो ठीक है। खाना खा लिया? पानी तो अभी इसमें पूरा था, कहाँ चला गया? पूजा, ए पूजा, धोती मारिए, पानी ना इसमें कहाँ गया? पूजा, पूजा, बुखार उतर गया उसका? पूजा, मुझे लगे कल वाली बात से नाराज दिख गए। अब तू ही बता भाई, इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, मैं अनपढ़, मेरे जैसे बावड़े की नहीं, उसे भूखा मरने की क्या जरूरत है? मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। वो कितनी सुंदर है, समझदार है, उसकी शादी तो किसी अफसर से होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता, नहीं तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगे। तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम होए, तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम, तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम, अब जान भले ही जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम, अब जान भले ही जाए ना इसका कोई गम।
बेजान सी आंखों में तूने ही ख्वाब सजाए, इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए। इन बेजान सी आंखों में तूने ही ख्वाब सजाए, इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए। इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए भवरे हम, तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए भवरे हम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। अच्छा हाँ मैं जाने लगी थी कब से पर तू ये जाना अब है। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। तेरे हैं हाँ तेरे हैं ओए तेरे हैं जब तक दम में दम, तेरे हैं हाँ तेरे हैं ओए तेरे हैं जब तक दम में दम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम, तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम, अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। दीदी आज मैं भिंडी बनाऊंगी, तुम के बनाओगी? मैं तो आलू टमाटर के साथ छोले बनाऊंगी। सुन रहे कटड़े, मारे बनेगा आज मटर पनीर और तू भी खाइए, मारी गैल रहेगा तो न्यू ही मौज लेगा। अरे ओ मटर पनीर नास खेत, इस जबान को काबू में रख ले अपनी। माँ माँ तू बिल्कुल चिंता मत करिए, तेरे दांत भी टूट गए ना तो मैं तेरी निया मलाई कोफ्ते बनवाए करूँगा। मलाई कोफ्ते को तो हमारे बच्चे भी ना सुंगे। सुंगेंगे तो जब मैं सुंगन दूंगा, टांग ना तोड़ दूंगा जाएंगे को आगे। हाथ लगा के दिखा दिए, हम देखेंगे तुझे। अब गए वे दिन देख ले, रोक ले अभी से, वस्तु वस्तु भी अलज रहा है। अभी थोड़े छोटे हैं, हो जाओगे थोड़े से, तेरी खाल ना कटवाई उनते ही। अच्छा भेज के देखिए उरोगु, काट के ना फेंक दूंगा सुसरोगु। देख ले इसे, अब बालकों के बारे में क्या बोल रही हूँ, अब ना सुनता होगा तुझे भी। अरे ओ खड़ा हो यंता, अपना काम धंधा कर, तेने मारे नाक में दम कर रखा। चप्पल ना पैर लेन दे, टक्कर मारने के जो मेरे चले अंता। तुझे हर वक्त उनकी दिखे हैं। कितना अच्छा होता अगर बड़ी दोनों भाभियां तेरे जैसी होती। तू चिंता मत कर पूजा, जब मैं आ जाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत अच्छी है लक्की। दो घंटे हो गए बच्चे भी स्कूल से नहीं आए, और आज वो लाट साहब मारे थे खूब लड़के गया है, बच्चे को भी मारने की धमकी दे रहा था। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम तेज को फोन करो इतने। हाँ हाँ उन्हें तो कर दिया, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है जल्दी करो दीदी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। चल जल्दी चल।
इतनी देर होली माँ जी, बच्चे अभी तक नहीं आए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक ये बात होगी बहू, वही बात होगी जिसका डर था, बच्चे अभी तक स्कूल से ना आए। राजू धमकी देके गया था, अगर बच्चों को मार दूंगा, और अब वो भी ना आए यहाँ। सुब सुब बोल बहू, इतना भी बावड़ा ना वो। जब बात तो चिंता की है, मैं जाऊं मैं देख के लाऊं बच्चों को। क्या हुआ, पता लगा कुछ? बच्चे तो मार दिए। किसने? राजू ने। अब कहाँ है वो? जंगल में को लेके भाग जा रहे हैं बच्चे को। अभी देखेंगे उसे अभी। रुक जाओ, हम भी चलेंगे। रुको, हम भी चलेंगे। भैया इनके चोट लग गई, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नीच कातिल। भैया मैंने कुछ भी ना करा। फांसी करवा दो, इसने हमारे बच्चे मार दिए। अरे वो सब तो बाद में भी हो जाएगा, तुम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल चलो। भैया लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं है?
देखिए अगर आप अपने बच्चों के पैर बचाना चाहते हैं आप जितना जल्दी हो सके 15 लाख रुपए जमा करा दीजिए। देखिए आप खड़े न रहें, जल्दी करें। 15 लाख? सेठ जी आप चाहे हमारी सारी जमीन जायदाद ले लो, हमारे बच्चों की जान बचा लो। भैया इनते तो 7-8 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी एकदम नहीं 10-15 दिन लगेंगे। मैं जानता हूँ बेटे इस समय बच्चों की जान बचाना बहुत जरूरी है, मगर इतने पैसे वो भी इकट्ठे कुछ तो करो पिताजी। बेटे 10-15-20-50 हजार की जरूरत है तो ले जाओ, मगर 15 लाख कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं बेटा? आगे बेटी हुआ कुछ इंतजाम? हाँ भाई ले आए रुपए, जल्दी जमा करा। हरी तेज, अरे कुछ तो बोलो किए हुआ? कुछ ना हुआ पिताजी, हम हर जगह गए पर पैसों का कहीं इंतजाम नहीं हुआ। भाई न्यू कुकर जान बचेगी बालकों की? अरे ऐसे वक्त पे तो जमीन बेच दो, घर बेच दो, सब कुछ बेच देते। उनके भी कोई 7-8 लाख से फालतू देने को तैयार ना था, और वो भी 10-15 दिन के बाद। थारे बस का ना है कुछ भी, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कैसे इंतजाम ना होता। अगर मेरे भाई राजू को कुछ हो गया तो थारी एक एक को जेल करवा दूंगी, एक एक को जेल। तुमने मार दिया मेरे भाई को। अरे आप लोग इधर खड़े हुए हैं, उधर आपके दोनों बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर हैं। पर डॉक्टर साहब बच्चों के ऑपरेशन के पैसे किसने जमा करवाए? सर जिस लड़के ने उन बच्चों के पैसे जमा करवाए थे वो बेहोश हो गया, आप जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब कौन है वो देवता जिसने बच्चों के ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए? शायद कोई आपका अपना ही होगा, वैसे अपना नाम राजू बता रहा था और बोल रहा था इन बच्चों का मैं चाचा हूँ। भाई एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो बच्चों को मारना चाहता था तो उसने बच्चे बचाए क्यों, और वो 15 लाख रुपए कहाँ से लेकर आया? मैं बताता हूँ, मैं वो रुपए मैंने दिए हैं। मैंने खान साहब उस नालायक को इतने रुपए आपने दिए कैसे? जी हाँ, उस नलायक ने अपना घर जमीन और अपने आप को मेरे यहाँ गिरवी रख दिया है। अपने आप को भी? हाँ, अब वो इन रुपयों के बदले सारी जिंदगी मेरे यहाँ गुलाम बनकर नौकरी करेगा। पूरी जिंदगी आपके यहाँ गुलाम बनकर है, और वो भी हमारे बच्चों के लिए? और ये देखिए लिखित में अग्रीमेंट किया है उसने, ऐसा नेक और सच्चा इंसान आपका बेटा है, आपका भाई है। लेकिन खान साहब बच्चों को तो उसने मारा। बेहुदा बात है ये, वो शख्स जिसने अपने आप को उन बच्चों के खातिर नीलाम कर दिया वो मार सकता है उन बच्चों को? वो शख्स जिसने अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि वो आप लोगों की पढ़ाई को पूरा कर सके वो मार सकता है उन बच्चों को? वो शख्स जिसने आप लोगों को अच्छा बनाने के खातिर खुद को बुरा बना लिया वो? लाहौल बिल्ला कब्बत, कितनी घटिया और वाहिया सोच है आप लोगों की। छी, बच्चों को होश आ गया। अच्छा होश आ गया, हे भगवान। मम्मी दीप दौड़े लेट जाऊं? हाँ हाँ बेटा। सिस्टर क्या इन दोनों को मैं एक साथ लिटा दूं? नहीं नहीं अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ है। हर्ष, दीप क्या हो गया मेरे बच्चों? मम्मी वो राजू चाचा। हाँ हाँ बोल बेटा, कैसे मारा राजू ने तुझे? बता बेटा, अब डरने की जरूरत ना है। कमीनी, अब भी जहर उगल ली उसके खिलाफ,
अगर आज ये बच्चे जिंदा हैं, तो उसी की वजह से। थारी बात सुन सुन के टूट गया हमारा परिवार। रे छोटो ने ये बकवास बाजी, पहले बालकों को तो संभालो। हाँ बेटे, क्या हुआ यार? बाबा जी जब हम स्कूल से आ रहे थे नी, you
मेरे बच्चों, मैं अभी इतना बड़ा नहीं कि तुम मुझे चाचा कहो, मैं तो तुम्हारा राजू, राजू तुम्हारा। हम क्या करें पिताजी, हमें तो कहीं डूब के मत जाना चाहिए। हाँ भाई, हम अपने छोटे भाई साहब ये घर में रहते रहते क्या रहोगे, दुश्मन बन गए। हमारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, नीलाम कर दिया अपने आप को। अब तो लाइक बिना कोई से जाकर माफी मांग सके। तुम तो भाइयों, भाइयों का तो आपस झगड़ा हो जा तो सोबर, पर मैं तो माँ हूँ, मैं माँ होके उसके खाने में यहाँ तक कि उसके बंटवारे में भी दुरात करी, मैं कैसी माँ उसकी ममता में भी मैं दुरात करी। और मैं हमेशा घर में हुए हर गलत काम के लिए उसे ही कोसता रहा, उसे पीटता रहा। जो होना था हो गया रूप सिंह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ बच रहा है उसे तो संभालो। पर कान साहब, हम के मुँह लेके जाओगे इसके सामने? क्या कहेंगे, कितने जलील हैं। ऐसा सिर्फ तुम सोच रहे हो, मैंने उसे देखा है, उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत से भरा पड़ा है। क्या बिना सच्चे प्यार के कोई इतना बड़ा काम कर सकता है? आओ उसे तो आकर देखो, तो जिंदगी और मौत के बीच चूझ रहा है। चलो ठीक है।
बच्चों को तो लाओ मेरे दौरे। हाँ हाँ बच्चों को इधर लाओ। हमें माफ कर दो देवर जी, मैंने आपको हमेशा गैर समझा और आपने भगवान बनकर हमारे बच्चे बचाए। ये सब तो खान साहब का एहसान है जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। हाँ खान साहब, हम आजीवन आपके एहसान मंद रहेंगे। और जो पैसे राजू लेकर आया था उनकी कृपाई हम अदा करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो, राजू जैसे बच्चे पर तो मैं इतने नोट वार कर फेंकूं। कैसे हैं मेरे हर्षदीप? आप कैसे हो राजू चाचा? राजू चाचा, खबरदार हर्षदीप, जो आज के बाद देवर जी को तुमने राजू कहा ये तुम्हारे चाचा हैं। चाचा ठीक है मम्मी। या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई जवाब नहीं है। हाँ खान साहब, बड़ा दयालु है ऊपर वाला जिसने इतनी परीक्षा के बाद भी हमारा कुनबा फिर से इकट्ठा कर दिया और जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। नहीं पिताजी, अभी हमारा कुनबा पूरा नहीं हुआ, एक कसर बाकी है। कैसी कसर? ये दोनों एक दूसरे को पसंद करे हैं। अच्छा भाई, अरे ये बात तो हमें पता ही ना थी, हम तो बस लड़ाई झगड़े का ही जाने थे। यू तो अच्छा हुआ, मैं तो लक्की को पहले ही पसंद करू थी, पर मैं क्या करती, यू घना बढ़िया होगा, घर बैठी लक्ष्मी आ गई। फरमा सोच लिए, तीसरी भी अब उसी घर से आ रही, फिर क्या होगा। मौसी, अब हम आपको मौसी कहेंगे या फिर चाची? ये है लाट साहब।